डिज्नी ने अपने D23 एक्सपो में किए हैं कई सारे बड़े अनाउंसमेंट्स अपनी मूवीज एंड शोज के ऊपर, फ्रॉम पिक्सार, स्टार वॉर्स, लाइव एक्शन एंड एनिमेशन के ऊपर एक्सक्लूसिव फुटेज के साथ। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले अवतार 3 का टाइटल रखा गया है अवतार फायर एंड एश, और ये रिलीज होने वाली है इन December 25 को, और इसका कॉन्सेप्ट आर्ट रिवील हो गया है। उसके बाद टॉय स्टोरी 5 अनाउंस हो गई है, जहां पर अभी टॉयज, टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के खिलाफ लड़ेंगे, और 50 बस लाइट ईयर्स की एक आर्मी जो कि मेल फंक्शन प्ले मोड में स्टक हो गई है वो विलन्स होने वाले हैं, और इसका फर्स्ट लुक भी रिवील हो गया है और टाइटल अनाउंसमेंट के साथ, और Summer 26 में ये रिलीज होगी। उसके बाद इनक्रेडिबल्स 3 अनाउंस हो गई है और ब्रैड बर्ड इसको डायरेक्ट करने वाले है। उसके बाद इनसाइड आउट फ्रेंचाइज की स्पिन ऑफ सीरीज टाइटल ड्रीम प्रोडक्शंस अनाउंस हो गई है, और ये इनसाइड आउट 1 और 2 के इवेंट्स के बीच में सेट होगी, और ये सीरीज फॉलो करती है उस मूवी स्टूडियो को जो राइली के दिमाग में ड्रीम्स को बनाते हैं, और इसका फर्स्ट लुक रिवील हो गया है और 25 में डिज्नी प्लस पे रिलीज होगी। उसके बाद फ्रोजन 3 रिलीज होने वाली है इन 2027, और इसके साथ फ्रोजन 4 भी अनाउंस हो गई है, जहां पर फ्रोजन 3 और 4 एक 2-पार्ट स्टोरी से कनेक्टेड होगी एक दूसरे से। उसके बाद ड्वेन जॉनसन लीड करने वाले हैं इन मॉन्स्टर जैम मूवी को, जो कि मॉन्स्टर ट्रक ड्राइवर्स पे बेस्ड होगी, और इसका फर्स्ट लुक भी रिलीज हो गया है। उसके बाद जुदोपिया 2 का फर्स्ट लुक देखने मिलता है, जहां पर एक नए कैरेक्टर जो कि एक स्नेक है नेम्ड गैरी इस मूवी का पार्ट होगा, और हम एक हिप्पो कम्युनिटी को देखते हैं अलोंग विद बीवर्स एंड सी लायंस, और हमारे दोनों लीड कैरेक्टर्स एक नए एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और वो सी लायंस एंड बीवर्स से मिलते हैं, रिलीजिंग इन November 25 को। उसके बाद ट्रॉन एरिस का टीजर देखने मिलता है, जहां पर एवन पीटर्स एक एआई के साथ बात कर रहे हैं, और कैसे ये लोग ट्रेवल करेंगे फ्रॉम द डिजिटल वर्ल्ड इनटू द रियल वर्ल्ड, वो एआई कैसे फिजिकल वर्ल्ड में भी एंट्री लेगा, और लाइट साइकिल्स एक सिटी में ट्रेवल कर रहे हैं, और एरिस ने एक डिस्क फेंकता है, और जेफ ब्रिजिस के कैरेक्टर को हम एक पर्पल ग्रिड पे देखते हैं, जहां पर लिखा हुआ है ग्रीटिंग्स बुकवर्म, और एरिस को जेरेड लेटो प्ले कर रहा है जो कि एक इवल एआई होता है, और ग्रिड कैसे रियल वर्ल्ड में एंट्री कर रहे हैं, रिलीजिंग इन October 25 को। उसके बाद स्नो व्हाइट का ट्रेलर रिलीज हो गया है एंड रिलीजिंग ऑन 21 मार्च 2025 को। उसके बाद पिक्सार का फर्स्ट लॉन्ग फॉर्म सीरीज विन और लूज का ट्रेलर रिलीज हो गया है एंड रिलीजिंग ऑन 6 December 2024 को ऑन डिज्नी प्लस। उसके बाद हॉपर्स मूवी का फर्स्ट लुक रिवील हो गया है, जहां पर एक लड़की ने अपने ब्रेन को एक रोबोटिक बीवर के साथ स्विच कर लेती है, क्योंकि वो बीवर्स की सीक्रेट्स और उनके लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहती है, और एक इवेल मेयर उनके घर को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, और 2026 में रिलीज होने वाली है। उसके बाद इलियो रिलीज होने वाली है ऑन 13 June 2025 को, जहां पर एक लड़के को मिस्टेक से अर्थ का एम्बेसिडर मान लिया जाता है, जहां पर उसको अभी एक नए कनेक्शंस बनाने होंगे एलियंस के साथ। उसके बाद लीलो एंड स्टिच का लाइव एक्शन रीमेक का फर्स्ट लुक रिवील हो गया है और मूवी 25 में रिलीज होने वाली है। उसके बाद मोआना 2 का भी नया ट्रेलर रिलीज हो गया है एंड रिलीजिंग ऑन 27 November 2024 को। उसके बाद मुफासा द लायन किंग का ट्रेलर रिलीज हो गया है एंड रिलीजिंग ऑन 20 December 2024 को। उसके बाद द मैंडलोरियन एंड ग्रोगू का फर्स्ट लुक टीजर देखने मिलता है, जहां पर हम मैंडलोरियन को एक बेस को इन्फिल्ट्रेट करते हुए देखते हैं फुल ऑफ स्नो ट्रूपर्स, और ये सीन प्लेनेट होतू का हो सकता है, और फिर मैंडो एक स्मॉल वॉकर की मदद से स्नोई माउंटेन के नीचे जा रहा है, जहां पर ग्रोगू उसके लैप में है, और वो दो 80-80 वॉकर्स के कांटेक्ट में आते हैं, और वो मैंडो के ऊपर शूट करना शुरू कर देते हैं, और हमको फर्स्ट लुक देखने मिलता है ऑफ जेब, और एंड में हम बाबू फ्रिक को ग्रोगू के साथ देखते हैं, और मूवी रिलीज होने वाली है इन May 26 को। उसके बाद एंडर सीजन 2 में बेन मिडलसन एस कर्निक एंड फॉरेस्ट विटोकर एस शॉगेरा वापिस आने वाले है, और ये 4 साल के इवेंट्स को कवर करेगा, और इसका एक न्यू लुक रिवील कर दिया गया है, रिलीजिंग इन 25 ऑन डिज्नी प्लस। उसके बाद स्टार वॉर्स स्केलेटन क्रू का ट्रेलर रिलीज हो गया है एंड रिलीजिंग ऑन 3 December 2024 को ऑन डिज्नी प्लस। तो
तो आपको अगर मार्वल स्टूडियोज के D23 पैनल के बारे में जानना है तो ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा, और आपको ये अनाउंसमेंट्स कैसे लगे हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और लोगों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।